Hello student, welcome again on my YouTube channel R S केमिस्ट्री। दिस इज आवर सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑन स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट वन। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें आपके सामने होगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ इथेन, देन टोरशनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन, देन कन्फर्मेशनल ऑफ ब्यूटेन, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। विदाउट सब्सक्राइब आप लोग मेरा पहला वीडियो लेक्चर इजीली से नहीं देख पाओगे, तो पिछला वीडियो लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, और उसके बाद फिर इस वीडियो लेक्चर को आप लोग इजीली से समझ पाओगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ इथेन। अब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ इथेन क्या कहता है कि देखो, अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो इथेन मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम लोग सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन के थ्रू स्टेगर्ड फॉर्म को मोर स्टेबल कह दिए। स्टेगर्ड फॉर्म को क्या कह दिया हमने? मोर स्टेबल। अब मैं क्या करता हूं कि मैं जो सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन आप इथेन में देख रहे हो, इस इथेन के अंदर देख रहे हो, यही सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन इन इथेन ऑल्सो प्रेजेंट इन मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन, या फिर मैं एल्केन ना कह के हम लोग केवल इतना कह देते कि मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैं इस इथेन के अंदर ही हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन से भी बड़े बड़े ग्रुप लगा दूं इथेन के अंदर ही, या फिर मैं इथेन से कोई बड़े मॉलिक्यूल ले लूं, ब्यूटेन और जो पेंटेन इस तरीके के मॉलिक्यूल में ले लूं, तो उनके अंदर भी सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन होगी। अब सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन अगर होगी तो एक बात क्लियर है कि वहां के जो रोटेशनल बैरियर है वो ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा स्टार जो इंट्रैक्शन है वो केवल हाइड्रोजन के बीच में हो रही है, और वहां जो सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन होगी वो लार्ज ग्रुप के बीच में होगी जो हाइड्रोजन से भी बड़े हैं। तो अब यहाँ से आगे चलते हुए कि वहां भी हम लोग फिर ये सब होने के बाद वहां भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। मतलब वहां भी जो स्ट्रक्चर्स बनेगी कि अगर जो इथेन के अंदर और बहुत सारे ग्रुप में लगा दो तो वहां भी जो स्ट्रक्चर्स बनेगी, तो वहां भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। और उस स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर भी जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन होगी विल बी मोर स्टेबल। वहां भी आपकी स्टेगर्ड कन्फर्मेशन जो क्या होगी, मोर स्टेबल। अब इसके कहने का मतलब क्या होगा कि समझना ध्यान से। दरअसल अगर आप लोग मान लो 100 मॉलिक्यूल भी ले लेते हो, 100 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, 100 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन आपने ले लिए, तो 100 में से मोस्टली जो मॉलिक्यूल होंगे वो अपना मोस्टली टाइम स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के साथ स्पेंड करेंगे। किसके साथ स्पेंड करेंगे? स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के साथ स्पेंड करेंगे। और सिमिलरली जो ये बाकी के मॉलिक्यूल है जिनकी बात मैं कर रहा था कि सिग्मा इंटरेक्शन इन इथेन आल्सो प्रेजेंट इन मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स या मॉलिक्यूल, तो उनके अंदर भी जो मोस्टली जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो कहाँ स्पेंड करेंगे? अपना मोस्टली टाइम स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के साथ स्पेंड करेंगे, क्योंकि स्टेगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल। और इस दुनिया के अंदर जो स्टेबल फॉर्म होती है, दुनिया उसी की तरफ जाना चाहती है, मीन्स अपना एनर्जी लेवल लो करके, और मतलब जो स्टेबिलिटी की तरफ अगर कोई भी बॉडी अगर जाना चाहेगी, तो इनकेस अगर क्या नाम है हम लोग इनकी बात करें, इथेन की बात करें, तो यहाँ पे मोस्टली जो मॉलिक्यूल अगर आपके होंगे तो वो कौन सी फॉर्म में स्पेंड करेंगे? अपना टाइम स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के अंदर स्पेंड करेंगे। अब यहाँ से इसका मैं एनर्जी लेवल डायग्राम अगर बनाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ इथेन, तो वो किस तरीके से निकल के आएगा? यहाँ हमने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, इस तरफ हमने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद यहां रोटेशनल ले लिए हमने। यहां क्या ले ली? रोटेशन। यहां हमने रोटेशन ले ली। अब यहां से एक कर्व हम लोग लगाते हैं इस तरीके से। अब इसको समझने से पहले कि यहाँ जो कन्फर्मेशन बनानी है हम लोगों को उसमें क्या होगा कि देखो अगर मैं यहाँ पे इथेन के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर ये फॉर्म बना दूं तो ये कौन सी फॉर्म होगी स्टेगर्ड, ये कौन सी फॉर्म होगी स्टेगर्ड। इसके बाद इसको मैं 60 डिग्री रोटेट कर देता हूं तो ये जो फॉर्म निकल के आएगी, अब ये फॉर्म कौन सी कहलाई जाएगी इक्लिप्सड। ये फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी इक्लिप्सड। अब अगेन मैं इसको फिर से 60 डिग्री अगर रोटेट कर देता हूं तो फिर से एक फॉर्म बनेगी जो कौन सी होगी स्टेगर्ड कन्फर्मेशन होगी। तो इसको मैं स्ट्रक्चर 1 मान लूं, इसको मैं स्ट्रक्चर 2 मान लूं और इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको मैं स्ट्रक्चर 3 कह देता हूं। तो इन केस के अंदर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का ये बैरियर है, या मैं कह दूं ये वाली लाइन जो एक्सिस है ये पोटेंशियल बैरियर की है। अब अगर मैंने इसको यहाँ दिखाया तो मतलब कि यहाँ एनर्जी लेवल क्या है, ज्यादा है। अब एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होगा, इक्लिप्सड कन्फर्मेशन का ज्यादा होगा। तो यहाँ आप कौन सी स्ट्रक्चर को रखोगे, सेकंड स्ट्रक्चर को रखोगे। यहाँ किसको रख दोगे, फर्स्ट को, और यहाँ फिर से किसको रख दोगे, थर्ड को, क्योंकि दीज बोथ दोज आर स्टेगर्ड कन्फर्मेशन सो दे हैव सेम एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लेवल इन कन्फर्मेशन से क्या है, ज्यादा है। तो इस जगह मैंने कौन सी फॉर्म रखी स्टेगर्ड। स्टेगर्ड के केस में आप लोग इस तरीके से शो कर सकते हो, यहाँ कौन सी फॉर्म आ जाएगी आपकी इक्लिप्सड और यहाँ फिर से कौन सी फॉर्म आ जाएगी स्टेगर्ड कन्फर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ इन दोनों के बीच में स्टेगर्ड और इक्लिप्सड के बीच में जो ये एनर्जी बैरियर है, ये जो गैप आप लोग देख रहे हो, ये इसको बोला जाता है 12 किलोजूल पर मोल। ये कितना होता है 12 किलोजूल पर मोल और इसको हम लोग रोटेशनल बैरियर कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल बैरियर। या फिर और नया टॉपिक निकल के आएगा टोरशनल स्ट्रेन, या तो क्या कहेंगे रोटेशनल बैरियर या फिर क्या कहेंगे टॉरिजनल स्ट्रेन। तो टॉरिजनल स्ट्रेन क्या होती है इस पे चलेंगे हम लोग, इसको डिस्कस करेंगे, रोटेशनल बैरियर को भी डिस्कस करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है 12 किलोजूल पर मोल और जो इस डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे रोटेशनल बैरियर या फिर क्या टॉरिजनल स्ट्रेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इथेन कि इथेन क्या कह रहा है कि इथेन के अंदर क्या होगा कि हम लोगों ने क्या किया, इथेन मॉलिक्यूल है उसमें सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन के थ्रू स्टेगर्ड फॉर्म को क्या बनाया, मोर स्टेबल बनाया। अब जो सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन है इन इथेन ऑल्सो प्रेजेंट इन मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर मैं इथेन के अलावा इथेन के अंदर यूज की और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाऊं, मतलब यहाँ हाइड्रोजन से भी बड़े ग्रुप अगर मैं इथेन में लगा दूं तो वहां भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो किसका कॉन्सेप्ट होगा, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा। और स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर भी स्टेगर्ड कन्फर्मेशन जो होगी, जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन होगी वही क्या होगी, मोर स्टेबल होगी। अब ये मोर स्टेबल होने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं इथेन के या फिर किसी और कंपाउंड के और उनकी कन्फर्मेशन बना रहे हैं इक्लिप्सड और स्टेगर्ड, तो वो 100 मॉलिक्यूल अपना मोस्टली टाइम, उन 100 मॉलिक्यूल्स में से जो मोस्टली मॉलिक्यूल होंगे वो अपना मोस्टली टाइम कहाँ स्पेंड करेंगे, इस स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के साथ स्पेंड करेंगे। क्योंकि जो कोई भी इस दुनिया के अंदर सब्सटेंस है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है और केमिस्ट्री के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो अपना मोस्टली टाइम जो स्टेबिलिटी के साथ ही स्पेंड करते हैं। और इनके अंदर भी जो है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन मोर स्टेबल होने के कारण जो मोस्टली मॉलिक्यूल होंगे स्टेगर्ड के साथ स्टेबल रहेंगे। अब हमने क्या किया है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया। यहाँ हम लोगों ने इसका स्टेगर्ड फॉर्म ले लिया न्यूमैन प्रोजेक्शन के साथ और यहाँ इक्लिप्सड फॉर्म लिया हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन के साथ। तो यहाँ स्ट्रक्चर 1 दिखा दी, यहाँ स्ट्रक्चर 2 और यहाँ स्ट्रक्चर 3। ये स्टेगर्ड है, ये इक्लिप्सड है और ये क्या है फिर से स्टेगर्ड। ये जो एनर्जी डिफरेंस है इनके बीच में कितना है 12 किलोजूल पर मोल। ये जो गैप है इसको हम लोग क्या कह देंगे, रोटेशनल बैरियर या फिर क्या कह देंगे टॉरिजनल स्ट्रेन। देखो टॉरिजनल का मतलब क्या होता है या स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि खिंचाव होता है, मतलब किसी वजह से किसी तरीके से एक मरोड़ बनना, एक खिंचाव बनना, तो उसको हम लोग टॉरिजनल स्ट्रेन कहेंगे। तो वो चीज कब बनती है जब दो चीजें एक दूसरे से रिपेल कर रही होती हैं, तो तब ये कॉन्सेप्ट बनता है कि टॉरिजनल स्ट्रेन है क्या, या फिर एक स्टेरिक स्ट्रेन की भी बात कर सकता हूँ मैं, तो वो क्या है, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इथेन के बारे में था कि इथेन क्या कह रहा है, इथेन के बारे में क्या स्टडी की जा सकती है, इथेन की पूरी डीप नॉलेज है आपके सामने। अब मैंने एक पॉइंट और बोला था आप लोगों को जब मैं कन्फर्मर और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा था कि पहला पॉइंट तो ये था कि इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो वो पॉइंट आप लोगों का अभी क्लियर हो गया है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखो आप ना इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, दे कैन बी सेपरेट। ये जो मॉलिक्यूल है स्टेगर्ड और इक्लिप्सड, इनको सेपरेट किया जा सकता है जब तक हम लोग टेम्परेचर को -250 डिग्री सेल्सियस तक ना ले जाएं। मतलब -250 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा और उससे नीचे का जो टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर पे ले जाके हम लोग इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे अबव टेम्परेचर पे आप लोग इनको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ही रोटेट करने लग जाते हैं। तो हमें टेम्परेचर बहुत कम ले जाना पड़ेगा इनको सेपरेट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोरशनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन। देखो टोरशनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन क्या है कि पहले हम लोग लिखते हैं टोरशनल स्ट्रेन। और यहां डिस्कस करेंगे हम लोग स्टेरिक स्ट्रेन। देखो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इनके बारे में। यहाँ अगर मैं इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूल बना दूं, सॉर्स फॉर्म में मैंने बनाया, देखो यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा दूं और फिर मैं यहाँ भी इसी तरीके का एक मॉलिक्यूल बना लेता हूँ और यहाँ मैं हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो देखो टॉरिजनल स्ट्रेन क्या होगी, ये जो बॉन्ड पेयर आप देख रहे हो ना, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर, इन बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होगा कि दे हैव इलेक्ट्रॉन्स इन दैट, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगी, मींस रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड व्हाट, टॉर्जनल स्ट्रेन। रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इज कॉल्ड व्हाट, टॉर्जनल स्ट्रेन। एंड रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड व्हाट, स्टेरिक स्ट्रेन। मतलब दोनों स्टेरिक फैक्टर हैं, मतलब रोकथाम वाले। स्टेरिक का मतलब हो गया रुकावट कहीं पे, दोनों रुकावट वाले फैक्टर हैं, मींस स्टेरिक फैक्टर है। केवल फर्क क्या है कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है, मींस बॉन्ड पेयर के बीच में होगी कौन, टॉर्जनल स्ट्रेन। और स्टेरिक स्ट्रेन किसके बीच में होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। हमें इनके बीच में एक डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि आप इस टॉर्जनल स्ट्रेन को कम कर सकते हो। टॉर्जनल स्ट्रेन कैन बी रिड्यूस्ड, टॉर्जनल स्ट्रेन रिड्यूस की जा सकती है, कम की जा सकती है बाय रोटेटिंग द बॉन्ड। हम लोग बॉन्ड को रोटेट करके टॉर्जनल स्ट्रेन को जो क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब मैं इसको अगर पकड़ लूं और इसको रोटेट कर दूं, और रोटेट करने पे जो अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बन जाएगी, इसको तो एज इट इज रखो, मान लो मैं यहाँ ले जाऊं तो अब देखो ये बॉन्ड इसके सामने था तो ये अभी अपोजिट चला गया और इनके बीच में अभी गैप है। तो इसके सामने एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसके और इसके बीच में यहाँ, या मैं कह दूं कि यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, या कोई स्टेरिक फैक्टर, या फिर मैं टॉर्जनल स्ट्रेन, यहाँ कोई टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होगी। तो हम लोगों ने इस टॉर्जनल स्ट्रेन को रिड्यूस कर दिया, जो यहाँ टॉर्जनल स्ट्रेन चल रही थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया बाय रोटेटिंग द बॉन्ड। इसके बाद आप लोग स्टेरिक स्ट्रेन को अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो स्टेरिक स्ट्रेन कैन नॉट बी रिड्यूस। स्टेरिक स्ट्रेन को आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो आप लोग इसको रोटेट करा, मान लो आप लोगों ने इसको यहाँ रोटेट करा दिया, अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बिटवीन मॉलिक्यूल है। अब ये बॉन्ड पेयर तो चलो इसके सामने नहीं है, लेकिन ये जो सामने की अगर मैं बात भी ना करूँ तो ये आसपास तो है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा और ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, इनके बीच में ये जो स्टेरिक फैक्टर बनेगा तो इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते ये। लेकिन बॉन्ड पेयर की अगर मैं बात करूं यहाँ, तो उसको आप लोगों ने रिड्यूस कर लिया। मतलब अगर आप यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट कर भी दोगे तो अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल तो अपना स्टेरिक फैक्टर लगाएगा ही। मतलब आप लोग अगर दुनिया के अंदर प्रेजेंट हो तो आपका भी एक स्टेरिक फैक्टर है, आप लोग भी अपने आसपास एक स्टेरिक फैक्टर रखते हो। तो मॉलिक्यूल की बात अलग है और बॉन्ड पेयर की बात अलग है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने के लिए बॉन्ड का आमने सामने होना जरूरी है, लेकिन अगर स्टेरिक स्ट्रेन आप लोगों को देखनी है तो उसके लिए आप लोगों को कोई जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल आमने सामने हो, उनके बीच में तब भी स्टेरिक फैक्टर रहेगा। तो स्टेरिक स्ट्रेन है उसको आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टोरशनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन. और जो स्टेगर्ड फॉर्म को हमने मोर स्टेबल कहा है वो ड्यू टू बोथ द रीजंस कि टोरशनल स्ट्रेन की वजह से भी वो मोर स्टेबल है और स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से भी क्या है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि स्टेगर्ड फॉर्म के अंदर ना तो टोरशनल स्ट्रेन है और ना ही क्या है स्टेरिक स्ट्रेन है, तो मतलब स्टेरिक स्ट्रेन कम है वहाँ तो, लेकिन इक्लिप्सड के अंदर स्टेरिक स्ट्रेन या फिर टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है ज्यादा है. तो दैट्स व्हाई कि स्टेगर्ड फॉर्म जो आपकी वो मोर स्टेबल हो जाएगी. तो आपका जो सेकंड टॉपिक था आज का टॉर्जनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. तो दो टॉपिक हमने पढ़ लिए, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ इथेन एंड सेकंड वन इज टॉर्जनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन. अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका रहेगा कन्फर्मेशनल ऑफ ब्यूटेन. उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो. अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन. बहुत आसान है, आप लोग खुद भी कर सकते हो उसको. तो देखो कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन क्या हो गया CH3 CH2 CH2 एंड CH3 1, 2, 3 एंड 4. ये तो ये C2 कार्बन और ये कौन हो गया C3. मीन्स इनके बीच में आप लोगों को रोटेशन करानी है. तो अब इसकी मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर इक्लिप्सड फॉर्म स्टेगर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं. तो देखो यहाँ कौन हो जाएगा आपका इसके साथ CH3, यहाँ एक H यहाँ एक H. अब इसके बाद ये जो फॉर्म होगी CH3 यहाँ H और यहाँ H. इसको आप लोग स्ट्रक्चर 1 कह के, और ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपकी एंटी फॉर्म हो जाएगी. एंटी के साथ आप इसको कह सकते हो फुली स्टेगर्ड, या तो एंटी फॉर्म कह दो या फिर फुली स्टेगर्ड फॉर्म कह दो. इसके बाद आप लोग इसको 60 डिग्री अगर रोटेट करते हो, आप इसको 60 डिग्री रोटेट अगर कर रहे हो तो ये फिर से रोटेट करके आप लोगों को कुछ इस तरीके से नजर आएगा. CH3 यहाँ H यहाँ CH3 यहाँ H और यहाँ H. ये फॉर्म, ये स्ट्रक्चर जो आपकी सेकेंड स्ट्रक्चर है और इसको हम लोग बोलेंगे इक्लिप्सड फॉर्म. इसके बाद फिर से इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो, तो 60 डिग्री रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये CH3 यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा. और ये नई फॉर्म आपके सामने बनी है स्टेगर्ड और इक्लिप्सड के अलावा, जिसको हम गॉश फॉर्म कह देते हैं. इसको हम स्ट्रक्चर नंबर 3 कह देंगे. अगेन इसको 60 डिग्री रोटेट अगर हम लोग कर देंगे तो 60 डिग्री रोटेट करने पर क्या होगा, फिर से यहाँ CH3 लगा दो, ये CH3 यहाँ और इसके पीछे फिर से CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ ये हाइड्रोजन. इसको हम लोग क्या कह देंगे फुली स्टेगर्ड, सॉरी फुली इक्लिप्सड. इसको स्ट्रक्चर 4 कह दो, ये क्या होगी आपकी फुली इक्लिप्सड स्ट्रक्चर होगी. इसके बाद इसको फिर से रोटेट कर दो 60 डिग्री फिर से रोटेट करोगे तो स्ट्रक्चर जो क्या बनेगी, CH3 यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ. ये फॉर्म आपकी 4th, 5th स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कह देंगे. ये फॉर्म आपकी फिर से क्या बन गई गॉश. और अगेन आप लोग इसको फिर से 60 डिग्री अगर रोटेट कर दोगे तो ये फिर से कौन सी फॉर्म बन जाएगी आपकी है CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ, इसके पीछे फिर से CH3H और इसके पीछे H और यहाँ CH3 और इसके पीछे भी क्या रहेगा H रहेगा. ये आप लोग देख पा रहे होंगे. आप 60 डिग्री इसको कन्वर्ट करोगे तो आप लोग खुद इसकी एक फॉर्म बना सकते हो. अब ये कौन सी फॉर्म बन गई इसके, फिर से ये इक्लिप्सड फॉर्म बन गई. ठीक है भाई, और फिर से अगर रोटेट कर दोगे तो फिर से कौन सी फॉर्म बन जाएगी, स्टेगर्ड फॉर्म बन जाएगी. मतलब यहाँ से आगे इसी पे जाना है, ये फिर से क्या बन जाएगी स्टेगर्ड फॉर्म बन जाएगी. तो दीज आर द कन्फर्मेशन इन ब्यूटेन, कि ये एंटी फॉर्म मींस फुली स्टेगर्ड है, सेकंड स्ट्रक्चर क्या है इक्लिप्सड है, थर्ड स्ट्रक्चर क्या है गॉश है, फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है फुली इक्लिप्सड मींस बाय रोटेटिंग 60 डिग्री. तो उसके बाद फिर ये कौन सी फॉर्म है गॉश फॉर्म है, फिर 60 डिग्री रोटेट किया फिर से क्या बनी इक्लिप्सड. और अगेन फिर जब मैं 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो फिर से कौन सी फॉर्म चली जाएगी स्टेगर्ड कन्फर्मेशन चली जाएगी. अब इसके बाद कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन के बाद ये हमने बनाने के बाद इसका भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे. उससे पहले आप लोग इसको नोट कर सकते हो. अब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होगा तो देखो यहां पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम और यहां क्या करेंगे हम लोग रोटेशन, ठीक है भाई। देखो अब यहां से चलेंगे हम लोग, और पहली स्ट्रक्चर जो बनी थी वो कौन सी फॉर्म बनी थी, स्टेगर्ड। आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर देख सकते हो जो फॉर्म बनी होगी वो स्टेगर्ड बनी होगी और वो फुली स्टेगर्ड थी, तो मैं लिख दूंगा फुली स्टेगर्ड, फुली स्टेगर्ड, एनटीवी कहेंगे हम लोग जिसको। फुली स्टेगर्ड के बाद फिर जो आपकी फॉर्म बनी थी वो बनी थी इक्लिप्सड। यहां जो फॉर्म बनेगी सेकंड फॉर्म जो बनी थी वो आपकी क्या बनी थी, इक्लिप्सड बनी थी। यहां मैं साइड में दिखाता चला जाता हूं या फिर यहीं से दिखाते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट फॉर्म जो बनेगी, यहां CH3 था, यहां CH3, यहां H, H, H एंड H, ये आपकी फुली स्टेगर्ड है। इसको हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया तो अब जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी। H कहां आ जाएगा, इसके पीछे, ये CH3 कहां चला जाएगा, इसके पीछे, और एक H कहां जाएगा, इसके पीछे। ये आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म बन गई। इक्लिप्स्ड फॉर्म के बाद नेक्स्ट जो फॉर्म बनेगी इसको आप लोग फिर से 60 डिग्री अगर रोटेट करोगे तो ये फॉर्म जो बनेगी आपकी ये गॉश फॉर्म बनेगी। यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, और यहाँ H होगा, और एक H यहाँ होगा, यहाँ H और यहाँ H। ये आपकी स्ट्रक्चर नंबर कौन सी होगी, थर्ड। इसको हम लोग इक्लिप्स्ड करें तो ये कौन सी हो जाएगी, गॉश। ये क्या हो जाएगी, गॉश स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहाँ के बाद अब जो फॉर्म बनेगी, यहाँ के बाद अब जो फॉर्म बनेगी उस फॉर्म को हम फिर से, इसको आप लोग फिर से 60 डिग्री अगर रोटेट करोगे तो ये फिर से इक्लिप्स्ड फॉर्म बनेगी। ये इसको एक बार अलग से बना लेते हैं सारी स्ट्रक्चर्स। ये देखो यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ H, ये जो फॉर्म बनी आपकी ये कौन सी फॉर्म बनी, फुली स्टेगर्ड स्ट्रक्चर बनी, स्टेगर्ड। इसके बाद आपने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये हाइड्रोजन इसके पीछे, यहाँ CH3, यह हाइड्रोजन इसके पीछे, और यह हाइड्रोजन इसके पीछे। ये जो फॉर्म बनेगी ये क्या कहलाएगी, इक्लिप्स्ड, सेकंड स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर से 60 डिग्री जब रोटेट करोगे तो ये बनेगा CH3 यहाँ आ जाएगा, मीन्स सॉरी H यहाँ आ जाएगा, CH3 कहाँ गया, H यहाँ जाएगा, यहाँ कौन चला जाएगा, CH3, और यहाँ कौन आ जाएगा आप लोगों के सामने, H आ जाएगा। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर बनेगी वो कौन सी फॉर्म होगी, आपकी गॉश फॉर्म होगी, ठीक है। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी वो कौन सी फॉर्म होगी, आपकी गॉश फॉर्म। तो यहाँ हम लोग हाइड्रोजन लेके चलेंगे और यहाँ CH3 लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको फिर से कितना डिग्री रोटेट करोगे, 60 डिग्री अगर रोटेट करते हो तो अब आपकी जो फॉर्म बनेगी वो फॉर्म बनेगी आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म बनेगी, फुली इक्लिप्स्ड। तो अब जो इसका एनर्जी लेवल होगा, ये जो एनर्जी लेवल होगा ये सबसे ज्यादा होगा। यहां कौन सी फॉर्म आपकी, फोर्थ फॉर्म है जो इक्लिप्स्ड है, जो क्या है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये वाली फॉर्म इक्लिप्स्ड और फुली इक्लिप्स्ड है। तो इसको आप लोग कुछ इस तरीके से शो कर सकते हो, बैक टू बैक CH3 CH3, इसी से आप लोग समझ सकते हो कि कौन सी फॉर्म है। इसके बाद फिर से रोटेट करोगे 60 डिग्री तो ये हाइड्रोजन CH3 ग्रुप यहाँ जाएगा तो ये गॉश फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद तो गॉश फॉर्म का जो एनर्जी लेवल होगा वो सेम इसके जितना होगा। तो यहाँ फिर कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी, फिफ्थ स्ट्रक्चर आ जाएगी, जिसको हम लोग कहेंगे गॉश फॉर्म। आप लोग खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ के बाद गॉश फॉर्म के बाद फिर से हम लोग जब जाएंगे तो गॉश के बाद फिर से क्या बनेगी आप लोगों की, अगर इसको फिर से आप लोग रोटेट करते हो तो फिर से आपकी एक इक्लिप्स्ड फॉर्म बनेगी। फिर से क्या बनेगी, एक इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड के बाद फिर से जब आप लोग जाओगे तो फिर से कौन सी फॉर्म बनेगी, स्टेगर्ड फॉर्म बनेगी। यहाँ पे फिर से स्टेगर्ड, ये सिक्स्थ स्ट्रक्चर हो गया, और फिर से अगेन कौन सी हो जाएगी, सेवंथ स्टेगर्ड फॉर्म। इसको हम लोग बोल देंगे इक्लिप्स्ड और इसे बोल देंगे हम लोग क्या, स्टेगर्ड। देखो फिर से बात करते हैं, ये कुल फॉर्म्स बनी है हमारी, टोटल फॉर्म्स फॉर कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ये फुली इक्लिप्सड है, मींस स्टेगर्ड है, ये इक्लिप्सड है, सॉरी ये फुली स्टेगर्ड है, ये इक्लिप्सड है, ये गॉश है, ये फिर से जो है आपकी क्या है फुली इक्लिप्सड है, इसके बाद फिर से जो गॉश फॉर्म बनेगी और फिर इक्लिप्सड बनेगी, फिर स्टेगर्ड बनेगी। तो आप लोग उनको बना सकते हो। तो यहाँ सबसे कम एनर्जी किसका होगा, फुली स्टेगर्ड का, उसके बाद फिर किसका होगा इक्लिप्सड का, फिर गॉश का, फिर फुली इक्लिप्सड का, फिर किसका गॉश का, फिर किसका इक्लिप्स का, और फिर किसका सबसे कम एनर्जी जो वो किसका होगा स्टेगर्ड का। तो दिस इज द रोटेशनल डायग्राम, या फिर मैं कह दूं कन्फर्मेशनल ऑफ ब्यूटेन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है फॉर ब्यूटेन के अंदर। अगर आप लोगों को ये बात समझना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, वैसे कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो फिर भी ये ऑल अबाउट द रोटेशन ऑफ ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन के बाद क्या हो गया कि एक चीज और समझने में आती है, इसको एक बार नोट कर लो आप लोग। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट समझने में आएगा कि ब्यूटेन के अंदर टू मिथाइल ग्रुप है, ब्यूटेन के अंदर क्या है टू मिथाइल ग्रुप, और उन दोनों मिथाइल ग्रुप की अपनी क्या है एक वेंडरवॉल रेडियाई है, उन दोनों मिथाइल ग्रुप की अपनी क्या है एक वेंडरवॉल रेडियाई। अब जो ये वेंडरवॉल रेडियाई है ना, मैं आपको बताता हूं, ये एज एन अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन और एज एन रिपल्सिव इंट्रैक्शन, दोनों की तरह एक्ट कर सकती है। कैसे कि देखो, जब आपका मिथाइल ग्रुप इस तरीके से CH3 अपोजिट है H and H H, तो अभी इनके बीच में क्या हो रही है अट्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है अट्रैक्शन, मतलब किस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये कि आप लोग दो मॉलिक्यूल को या दो ग्रुप्स को क्लोजर ला रहे हो। तो क्लोजर लाने पे क्या होता है कि वेंडरवॉल रेडियस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। तो क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल जब करीब आएंगे तो ये एक दूसरे के अंदर इंड्यूस डाइपोल बना देंगे, मतलब एक डेल पॉजिटिव करेक्टर यहाँ डेल नेगेटिव करेक्टर। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या चलेगी अट्रैक्शन चलेगी, और ये क्लोजर है एक दूसरे के, क्लोजेस्ट नहीं बोला है मैंने, ये दोनों क्या है क्लोजर है। अब तो ये केस किसका चल रहा है आपका अट्रैक्शन का चल रहा है, ये केस किसका चल रहा है अट्रैक्शन का। अब मान लो आप लोग इन्हीं दोनों ग्रुप को क्लोजेस्ट ले आए, क्लोजेस्ट का मतलब क्या है बहुत ज्यादा करीब ले आए, बहुत ज्यादा करीब। तो होगा क्या कि जब ये बहुत करीब आएंगे तो एक दूसरे से फिर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियर चार्जेस होंगे सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो ये फिर क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो वेंडरवॉल रेडियाई है वो आपकी अट्रैक्टिव के तौर पे अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन के तौर पे भी एक्ट कर रही है एंड रिपल्सिव इंट्रैक्शन के तौर पे भी एक्ट कर रही है। और यही रीजन है कि जब आप लोग यहां से फिर 60 डिग्री रोटेट करते हुए चले जाते हो तो स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे जो है अनस्टेबल होती चली जाती है। मतलब ये फॉर्म आपकी कौन सी है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है, फुली स्टेगर्ड, तो ये मोर स्टेबल है। इसके बाद फिर आप लोग जब घूमते हो तो फिर इक्लिप्सड बनती है, वो क्या हो जाती है लेस स्टेबल। फिर गॉश फॉर्म की अगर बात आती है तो देखो गॉश फॉर्म, और यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ H H H एंड H, ये आपकी गॉश फॉर्म है। अब ये गॉश फॉर्म इक्लिप्सड से क्यों मोर स्टेबल है, इसका एनर्जी इक्लिप्सड से कम क्यों है, क्योंकि देखो इक्लिप्सड के अंदर क्या हो गया कि बैक टू बैक चले गए, और गॉश के अंदर क्या है बैक टू बैक नहीं है। तो देखो यहाँ अभी भी रिपल्शन क्या है कम है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन क्या है कम है, तो यहाँ स्टेबिलिटी बन रही है। लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लोजेस्ट लेके आ गए हम लोग, दोनों ग्रुप को क्या लेके आ गए क्लोजेस्ट। तो फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने रिपेल, और वही रिपेल क्या कहलाता है स्टेरिक फैक्टर कहलाता है, जिसकी वजह से इक्लिप्सड कन्फर्मेशन क्या हो जाएगी लेस स्टेबल हो जाएगी। तो जो वेंडरवॉल रेडियाई है ब्यूटेन के अंदर, जो दो मिथाइल ग्रुप है वो इसलिए एक्ट करते हैं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इंट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। अगर डिस्टेंस क्लोजर है तो हम लोग कह देंगे कि वे अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्टिव है। अगर क्लोजेस्ट हो गया मतलब बहुत ज्यादा करीब आप लोग लेते आ रहे हो उनको बार बार, तो वो फिर क्या कहलाएगा रिपल्शन बन जाएगी। तो वेंडरवॉल रेडियाई एक्ट लाइक बोथ अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन एंड रिपल्सिव इंट्रैक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटेन। तो हमने तीन टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ इथेन, देन टोरशनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन, और उसके बाद कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, उन क्वेश्चंस के बारे में आप लोग डिस्कस करना, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप मैच कर सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चंस नोट कर लीजिए आप लोग। राइट द स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ ईच। फर्स्ट है CH3 CH2 एंड CH3 पेंटेन। सेकेंड जो है CH3 CH2 एंड CH3 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। थर्ड आप लोग करेंगे CH3 CH2 एंड CH3। और फोर्थ आप लोग लिख सकते हो CH3 CH2 CH3 बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो इनका आपको स्टेबल कन्फर्मेशन बनाना है, मतलब दे ऑल हैव स्टेगर्ड एंड इक्लिप्सड कन्फर्मेशन। तो आपको स्टेगर्ड कन्फर्मेशन निकालनी जो इनकी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो स्टूडेंट आज के लिए केवल इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और इस वीडियो को समझने के लिए आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखना होगा, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे पिछले वीडियो भी इजीली से देख सकते हो। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।